अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप ग्रेजुएशन करने का सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं आखिर इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल है मार्केट में हमें कौन सा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर कोर्स की तरफ जाना चाहिए एवरीवन वेलकम बैक टू माईट्यूब चैनल और मैं so के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं माय टॉप फाइव अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कॉमर्स स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ लेकिन हाँ अगर आपको अच्छी लगती है आज की वीडियो के साथ जितने भी प्रोग्राम्स, मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एक स्पेशल प्रोग्राम को बताऊंगी वीडियो के एंड में वो होगा पांच साल का अदरवाइज सारे तीन साल के ही है पहला ऑप्शन आपके पास आता है बैचलर ऑफ कॉमर्स ये बी कॉम सबको पता है इट इज असिक बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री बट हाँ अगर आप बीकॉम करने का सोच रहे हैं डोंट एवर गो फॉर बी कॉम पास बट गो फॉर become honors become pass की अभी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है काफी आउटडेटेड हो चुका है become honors is a specialized one and competitive one इसकी काफी ज्यादा वैल्यू भी है मार्केट में ये वर्सेटाइल कोर्स आपको ऑफर करता है स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग मार्केटिंग फाइनेंस एंड काफी सारे एरियाज में जो कि आपको एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनाता है बिजनेस की तरफ तो आप जा सकते हैं फॉर बिकम ऑनर्स याद रखना नेक्स्ट यहाँ पर आने वाला है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज बीबीए अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में जाना चाहते हैं या फिर आप लीडरशिप रोल्स हासिल करना चाहते हैं और मेजर फॉर्म या फिर आप एक ऑन्टरपिन बनना चाहते हैं या फिर आपको इंटरेस्ट है ये देखने में कि कैसे ऑर्गेइजेशन वर्क करती है देन गो फॉर बीबीए ठीक है ये आपको अलग अलग स्पेशलाइजेशन एरियाज ऑफर करता है लाइक like आप बीबीए कर सकते हैं इन फाइनेंस यू कैन डू बी बी इन मार्केटिंग यू कैन डू बी बी इन एच आर एंड यू कैन के बी इनपिनोरशिप एंड इवन यू कैन डू बी बी इन 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 इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वेल बहुत सारे ऑप्शन बल है बट ये मैंने कुछ टॉप ऑप्शन आपको यहाँ पर बताए हैं और अगर आप आगे जाकर एम बी ए करने का भी सोच रहे हैं ना देन इज गोइंग टू बी द बेस्ट अंडर ग्रेजुएट कोर्स फॉर यू काफी सारे एरियाज हैं सो एज पर योर इंटरेस्ट यू कैन चूज एनी वन आउट ऑफ है so interest, और हाँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुझे याद आया हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो की है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन येस हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है आज के जमाने में चाहे आप कितने भी स्किल्ड क्यों ना हो आपके कितनी ज्यादा नॉलेज क्यों ना हो लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के बारे में आपको नहीं पता है देन आप हमेशा आउटडेटेड ही कहलाएंगे इसी लिए अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है आपको कंप्यूटर को समझने में इंटरेस्ट है BCA. इस में ना इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है language, networks, कई सारे also, अगर आप एक वेब डिजाइनर बनना चाहते हैं सिस्टम डेवलपर बनना चाहते हैं कोडर बनना चाहते हैं सिस्टम एनालिस्ट बनना चाहते हैं आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो फिर आप टेक्नोलॉजी में क्यों जाएंगे नहीं टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा बड़ा रोल यहाँ पर रहता है इवन अगर आप एक फाइनेंस के स्टूडेंट अब भी आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए तो इज अ वेरी गुड अंडर ग्रेजुएट कोर्स तो अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है देन गो फॉर अब आप सबको तो पता ही है कि जब हम मैनेजमेंट को टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन कर देते हैं तो एक बॉम्ब कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है और अगर आप ऑनप्रीनोर बनना चाहते हैं विद सम टेक्निकल स्किल देन फिजिक्स वाला ने आपके लिए अचीव करके दिखा दिया है इंट्रोड्यूसिंग पीडब्ल्यू आईओ आई स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो की आपको ऑफर कर रहा है तीन साल का फुल्ली रेजिडेंशियल ऑफलाइन प्रोग्राम इन ऑन्टरप्रीनोरशिप एंड टेक मैनेजमेंट जो कि आपको प्रोवाइड करता है डायनेमिक लर्निंग एनवायरमेंट दैट गोज बियॉन्ड टेस्ट बुक अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको इसे क्यों ज्वाइन करना चाहिए प्रैक्टिकल रियल लाइफ नॉलेज अगर आपके प्रेजेंट करना है आपको चांस मिलेगा टू गेन इन साइट फ्राम दॉप इंडस्ट्रियल लीडर विदिप प्रोग्राम ऑल्सो यू विट टू एक्सप्लोर इंटरनेशनल मार्केट एंड कल्चर थ्रू देर ग्लोबल बिजनेस इमोशन प्रोग्राम मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर आपको इंजॉय करने को मिलेगी ऑसम कैंपस लाइव टॉप नॉच ऑन कैंपस फैसिलिटीज कटिंग एज क्लास रूम एंड कंप्यूटर लैब्स फॉर इनोवेटिव लर्निंग ये आपको बनाएंगे इंडस्ट्री रेडी विद हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट सपोर्ट और आपको चांस मिलेगा टू गेट हाइड बाई टॉप रिक्रूटर्स ऑफ द कंट्री जो की आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं एंड डोंट वरी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप दे रहा है टू एवरी डिजर्विंग कैंडिडेट तो रजिस्ट्रेशन जल्दी क्लोज होने वाली है लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए लिंक पर क्लिक करिए और अपना फॉर्म भर दीजिए ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट कोर्स की तरफ जो की होने वाला है बैचलर ऑफ फाइनेंस जिसको काफी सारे स्टेट्स में बैफ यानी बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी कहा जाता है अगर आपको नंबर एक्साइट करते हैं आपको नंबर के साथ खेलना पसंद है ना देन यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर अंडर ग्रेजुएट कोर्स यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा दैट हाउ यू कैन एनालाइज फाइनेंशियल डेटा कैसे मार्केट ट्रेंड्स को इंटरप्रेट करना है कैसे साउंड बिजनेस डिसीजन लेने हैं तो अगर आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं आपको बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है देन यू कैन गो फॉर दिस आप फाइनेंशियल प्लानर भी बन सकते हैं सो तो ये बहुत ही एक अच्छी अंडर ग्रेजुएट uh, डिग्री या फिर मैं कहूँ अंडर ग्रेजुएट है जिसकी तरफ एक कॉमर्स स्टूडेंट को डेफिनेटली जाना चाहिए ठीक है है नेक्स्ट कोर्स हमारे पास बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स तो अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है आपको समझना है कि आपको जानना है की कैसे पॉलिसीज बनाई जाती है कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है बेसिकली आपको एक इकोनॉमिस्ट बनना है आपको उस चीज में इंटरेस्ट है Again, के लिए अच्छा ऑप्शन है ये तो ये गए मेरे टॉप फाइव अंडर ग्रेजुटे फॉर कॉमर्स स्टूडेंट लेकिन अब मैं आपको देने वाले एक ब्राउनी पॉइंट जी हाँ तो गाइड अगर आपको ना लॉ में इंटरेस्ट है आप लॉयर बनना चाहते हो एडवोकेट बनना चाहते हो बट आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट भी हो देन यू कैन देसो गो फॉर इंटीग्रेटेड बी प्लस एल जी हाँ ये एक इंटरग्रेटेड कोर्स है पांच साल का होता है इसमें आपको कॉमर्स की पढ़ाई भी कराई जाती है साथ के साथ लॉ की पढ़ाई भी कराई जाती है तो बेसिकली आपकी ग्रेजुएशन भी हो गई और साथ के साथ आपको एक प्रोफेशनल डिग्री भी मिल गई लॉ की तो पांच साल में आपको दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है रिसेंट टाइम में बहुत सारे बच्चे इसको ऑप्ट कर रहे हैं कॉमर्स के स्टूडेंट स्पेशली तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं काफी अच्छा कोर्स है अग्न तो इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट मैंने काफी सारे अच्छे अच्छे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आपको इस वीडियो में बताए हैं मैंने टॉप फाइव करके बोला था मैंने बट मैंने आपको टॉप सिक्स बता दी बट डोंट वरी आपको जो भी इंटरेस्ट है जिस भी चीज में आप उसकी तरफ जा सकते हैं मैंने सारे आपको best options ही बताए हैं ठीक है मुझे बताना कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी आई होप की ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी हेल्पफुल लगी होगी गाइड को शेयर करना एंड प्लीज डो टू सब्सक्राइब टू चैनल एज वेल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम लिंक एज एंड मैं आते इन्हीं तरह की amazing informative videos के साथ and yes,